नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज हम बात करेंगे मीडिया किस तरह से फर्जी खबरें चलाता है, मीडिया कैसे झूठी खबरें न केवल प्रकाशित करता है बल्कि जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी आजकल लोगों के सामने झूठी खबरों को परोसते हैं। कैसे ये लोग बिना तथ्यों को जाने, बिना तथ्यों के ऊपर रिसर्च किए किसी भी जानकारी को जनता के बीच में पुट कर देते हैं और वो खबर गलत होती है। और ये बात तब ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब इस किसी भी झूठी खबर से किसी की जिंदगी तक खराब हो जाए या उसको डर लगने लगे कि उसकी जिंदगी इस खबर से इफेक्ट होगी, प्रभावित होगी, तो उस स्थिति में जिम्मेदारी मीडिया हाउस की ज्यादा बन जाती है। लेकिन आजकल भारतीय मीडिया के जो बड़े बड़े घराने हैं, जिसमें आप बड़े समाचार पत्र उठा लें या बड़े न्यूज चैनल्स उठाएं, वो लोग बगैर तथ्यों की जानकारी के गलत खबर पुट करते हैं। आज हम ऐसे ही दो, एक न्यूज़पेपर और एक टीवी चैनल, दो संस्थानों की झूठी खबरों को आपके सामने रखेंगे और आप देखिएगा कैसे उन्होंने बगैर तथ्यों की जानकारी के उस खबर को चलाया और उस खबर को प्रकाशित किया। हम आपके सामने स्क्रीन शेयर करते हैं, ये दो स्क्रीन, जिसमें आप एक खबर देखेंगे जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक झूठी खबर प्रकाशित की और दूसरी एक रिपब्लिक टीवी, एक रिपब्लिक चैनल है अर्नब गोस्वामी जिसमें काम करते हैं एडिटर इन चीफ के तौर पर, उस चैनल ने कैसे एक दूसरे न्यूज चैनल के रिपोर्टर को हुंडा तक करार दे दिया। तो इन दो खबरों के ऊपर हम नजर डालेंगे और आपको बताएंगे इसके फैक्ट्स के बारे में, जिसमें पहली खबर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की उठाते हैं जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक व्यक्ति को कथित रूप से आतंकवादी घोषित कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। दीपक कुमार लिख रहे हैं ये सही है, पंकज रोहिल्ला लिख रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच पंकज एंड दीपक। हम अपने फैक्ट की तरफ लौटते हैं जिसमें हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की उस खबर के बारे में बताते हैं, ये फुल स्क्रीन आपके सामने, जिसमें आप देखेंगे ये खबर इसके ऊपर फेक का एक स्टैंप आप देख सकते हैं कि ये खबर फेक थी। इस खबर के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये खबर थी क्या। दरअसल आप कल्पना कीजिए कि आप किसी दिन सुबह जागे और आपको एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में खबर मिले कि आप गायब हैं और इसका संबंध किसी तरह से उस व्यक्ति से जोड़ा जाए जो किसी आतंकवादी समूह से जुड़ चुका है, तो आपको कैसा लगेगा। एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, दरअसल ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र के साथ हुआ जिसको अचानक से ये खबर मिली कि वो गायब हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये स्टोरी की जिसमें हिजबुल से जुड़ने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र का रूममेट भी गायब है, इस तरह की हेडिंग के साथ ये खबर इन्होंने चलाई। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्कॉलर मन्नान बशीर वानी कथित रूप से आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ चुका है, ये खबर पहले प्रकाशित की और उसके एक दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि उसका रूममेट भी गायब है। अलीगढ़ के एसएसपी राजेश पांडे को कोट करते हुए इस समाचार पत्र ने ये खबर प्रकाशित की जिसमें कहा कि उस आतंकवादी का, कथित रूप से उस आतंकवादी का यानी कि मन्नान बशीर वानी का दोस्त जो उसका रूममेट था, उसके रूम में रहता था, वो अचानक से गायब हो गया है, जो कि बारामूला का निवासी है जम्मू कश्मीर का, और उसे अचानक से लापता बता दिया। तो आप सोचिए कि उसके उस व्यक्ति को जब पता लगा होगा कि उसके गायब होने की खबरें आ गई है, जबकि अलीगढ़ के अंदर वो व्यक्ति रहता नहीं था, उसने अलीगढ़ पहले ही छोड़ दिया था, अपनी स्कॉलरशिप के दौरान छोड़ दिया था, पहले उसने नागपुर में जॉब की, फिर उसके बाद वो अपने घर भी चला गया। तो और एसएसपी राजेश पांडे ने भी ये कहा था कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो व्यक्ति अलीगढ़ में नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बगैर फैक्ट की जानकारी के उस खबर को चला दिया। जब रूममेट गायब होने की खबर झूठी होने के बारे में कश्मीर के एक समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उसके बाद चीजें और भी सामने निकल कर आई। ये वो रिपोर्ट आप देखिए, ये रूममेट ऑफ एएमयू पीएचडी स्टूडेंट हु ज्वाइंड हिजबुल आल्सो मिसिंग, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर प्रकाशित की थी जो कि पूरी तरह से फेक साबित हुई। आपको बता दें कि उसके बाद बारामूला पुलिस ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी। आपको बारामूला पुलिस का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें
ये देखिए, ये बारामूला पुलिस ने द रिपोर्ट कैरीड बाय सेक्शन ऑफ मीडिया अबाउट बारामूला बॉय मुजामिल हुसैन, उस व्यक्ति का नाम था मुजामिल हुसैन जिसके गायब होने की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित कर दी। मुजामिल हुसैन गोइंग मिसिंग फ्रॉम एएमयू इज इनकरेक्ट एंड इज हर्बली रिफ्यूटेड। द बॉय हैज बीन वर्किंग एज असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट इन MECL नागपुर महाराष्ट्र सिंस अक्टूबर 2016। यानी जो मुजाहिल हुसैन था उसने अपनी स्कॉलरशिप बीच में छोड़ दी थी और उसके बाद वो नागपुर चला गया था जॉब करने के लिए, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के तौर पर वो अभी भी वहां पर काम कर रहा है MECL में नागपुर में महाराष्ट्र में। बारामूला पुलिस ने यह जानकारी ट्वीट कर दी 9 जनवरी यानी इसी महीने की 9 तारीख को सुबह रात को 10:47 पर। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की झूठी खबरें ये प्रकाशित करते हैं ये लोग और फिर उन खबरों को लोगों के बीच में उतारते हैं। हमें भी अजीब लगेगा अगर कभी इस तरह की खबर आए कि हमारे गायब होने की खबर किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाए, जबकि हम इस स्टेट में नहीं तो किसी और स्टेट में होंगे, कहीं पर बैठे होंगे, कहीं पर काम कर रहे होंगे या अपने घर होंगे। लेकिन अगर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार इस तरह की खबर छापता है, सोचिए मुजामिल हुसैन के ऊपर क्या बीती होगी। आराम से ईमानदारी से वो जियोलॉजिस्ट के तौर पर नौकरी कर रहे हैं नागपुर में और किसी आतंकवादी के साथ उसका नाम जोड़कर टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो खबर प्रकाशित कर डाली। ये बड़ा सीरियस मैटर है, इस तरह की खबरें प्रकाशित किसी भी समाचार पत्र को, किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं करनी चाहिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया। इसके बाद एक और खबर हम आपको दिखाते हैं, वो खबर दरअसल एक चैनल है रिपब्लिक टीवी। जिग्नेश मेवानी दिल्ली में थे, उनकी एक सभा दिल्ली में थी और उसमें सभी रिपोर्टर्स उसको उस इवेंट को कवर कर रहे थे जिसमें रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर भी थी और दूसरे चैनल्स के रिपोर्टर भी वहां पर खड़े हुए थे। अचानक से अगर भीड़ की वजह से वहां धक्का मुक्की हुई तो रिपब्लिक टीवी की जो फीमेल रिपोर्टर थी उन्होंने जबरदस्ती अपने चैनल पर एक खबर चलवा दी और चैनल ने भी बगैर उसको वेरीफाई किए हुए उस खबर को चला दिया, जिसमें यह चलाया गया कि एक व्यक्ति वहां रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, यानी कि उसे बदमाश, उसे गुंडा, उसे गून साबित कर दिया गया। हमारे मित्र हैं वो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेन्द्र को गून साबित कर दिया रिपब्लिक टीवी ने बगैर ये जाने, बगैर ये वेरीफाई किए कि ये कौन है। दरअसल ये मिस्टेक रिपब्लिक टीवी से इसीलिए हुई, एक स्पोर्ट्स बीट की रिपोर्टर को उन्होंने ग्राउंड पर जिग्नेश मेवानी की यानी पॉलिटिकल रैली को कवर करने के लिए भेज दिया। अब अचानक से किसी दूसरे बीट के रिपोर्टर को, किसी ऐसे रिपोर्टर को जिसको ग्राउंड के अपने साथियों के बारे में नहीं पता और फिर उन साथियों के बारे में गलत खबर उन्होंने चलवा दी। माफ कीजिएगा लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है और ये मीडिया के लोगों को, खासकर चैनल्स के अंदर बैठे हुए लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप दूसरे मीडिया रिपोर्टर को इस तरह से सरेआम बदनाम कर रहे हैं टीवी चैनल पर खबर चलाकर। जैनेन्द्र हमारे मित्र हैं और उनके साथ ऐसा किया, ये बड़ा दुखद है। एबीपी न्यूज ने बाकायदा इसको लेकर एक कैंपेन रेज की कि रिपब्लिक टीवी माफी मांगे। हम आपको वो स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें एबीपी न्यूज के एंकर अभिसार शर्मा ने ये ट्वीट एक ट्वीट को उत्कर्ष कुमार सिंह के एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें आप देख सकते हैं ये वो खबर है। इसका हम इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये इसमें आप लाल रंग के घेरे के अंदर देख सकते हैं जैनेन्द्र जो कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, धक्का मुक्की में ये इस तरह की सिचुएशन वहां हो गई होगी जिसकी वजह से हल्का फुल्का धक्का रिपब्लिक टीवी की उस रिपोर्टर को, फीमेल रिपोर्टर को लग गया होगा। और जैनेन्द्र भी रिपोर्टर है एबीपी के, लेकिन उन्हें गुंडा साबित करके ये दिखाया गया कि रिपोर्टर्स के बीच में कोई गुंडा घुस गया और लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा है। इस तरह से उस खबर को प्रेजेंट किया गया और जैनेन्द्र की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, जो कि बेहद गलत था, बेहद शर्मनाक था। और रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, इस तरह के जर्नलिज्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाद में जब एबीपी न्यूज ने ये कैंपेन रेज किया कि रिपब्लिक टीवी माफी मांगे, तो उसके बाद रिपब्लिक टीवी ने माफी भी मांगी। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जिसमें माफी मांगने
कि खबर सामने आई, एबीपी न्यूज ने ही ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, रिपब्लिक टीवी ने एबीपी न्यूज से माफी मांगी, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात उसमें निकल कर आई, हम आपको वो क्लैरिफिकेशन दिखाते हैं। रिपब्लिक टीवी का ये ट्वीट के अंदर इस स्क्रीनशॉट को लगाया गया है। रिपब्लिक टीवी ने अपने इस क्लैरिफिकेशन में कहा कि वीडियो एडिटर की गलती से ऐसा हो गया, नहीं साहब, असाइनमेंट पर खबर आई, रिपोर्टर ने दी, असाइनमेंट से आउटपुट के पास खबर गई, यानी आउटपुट डिपार्टमेंट ने उस खबर को प्रॉपर बनाया और उसे ऑन एयर कराया, यानी कि ब्रॉडकास्ट कराया, तो ऐसे किसी वीडियो एडिटर की गलती से ऐसा नहीं हो सकता, इसे प्रॉपर चलवाया गया, उसमें आप कह सकते हैं कि वो गलती से चला या आपको पता नहीं था, आपकी रिपोर्टर को पता नहीं था, रिपोर्टर की गलती से पूरे चैनल से गलती हुई, लेकिन जिम्मेदारी तो एडिटर इन चीफ साहब अर्नब गोस्वामी आपकी बनती है, आप वीडियो एडिटर पर इसको नहीं डाल सकते। तो इस तरह की खबरें प्रकाशित की गई जिसमें ये बताया गया कि इस तरह की खबर ब्रॉडकास्ट की गई कि जिसमें बताया गया एबीपी न्यूज का जो रिपोर्टर उसे गुंडा बताकर उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अच्छे भले इंसान को जो ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था उसको उन्होंने आतंकवादी समूह के साथ जोड़ दिया बगैर जाने कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलकर नागपुर में ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, मीडिया से कुछ लोग हैं, समीर अब्बास साहब जो कि टीवी 18 में काम कर चुके हैं और अब भी टीवी 18 ग्रुप का हिस्सा है। समीर जी आपके कमेंट को हम लाइव करते हैं, जिसमें समीर साहब ने लिखा है, गुड इनिशिएटिव घनश्याम, मच नीडेड इट वाज, थैंक यू वेरी मच समीर सर, आप अभी ईटीवी यानी कि टीवी 18 ग्रुप के साथ ही काम कर रहे हैं और हम आपकी आपके बुलेटिन भी देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। हम इस तरह से मीडिया के गलत तथ्यों को, गलत खबरों को रखते हैं, लेकिन इस बीच ऐसा नहीं कि सभी गलत खबरें प्रेजेंट करते हैं, अच्छे मीडिया हाउसेस भी हैं जो सही फैक्ट चेक करके खबरों को प्रकाशित करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं अगर इस तरह से वो खबरें प्रकाशित करेंगे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर का और रिपब्लिक टीवी की इस खबर का, और इसके अलावा रिपब्लिक टीवी जो खबरें चलाता है वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी के ओपोनेंट्स जो है उनको सामने रखकर उनको डिफेम करने के लिए खबरें चलाता है, ब्रॉडकास्ट करता है, इसके लिए भी रिपब्लिक टीवी जाना जाता है, जो कि बेहद गलत है, ये बायस्ड पत्रकारिता है, ये येलो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, दिस इज एब्सोल्यूट येलो जर्नलिज्म व्हाट एग्जैक्टली रिपब्लिक टीवी इज डूइंग राइट नाउ, बट इस गलत खबर का जो किसी दूसरे रिपोर्टर को बदनाम करने के लिए चलाया, इसकी भरपाई शायद नहीं हो सकती, हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन जिस जिसने खबर देखी, अगर जैनेन्द्र के परिजनों ने या उनके जानने वालों ने खबर देखी होगी तो क्या सोचेंगे वो, मतलब खुद ये सोचकर ये फील करके बुरा लग रहा है। और जैनेन्द्र तो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे लगातार मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, तो ये इस तरह ये गलती और इस तरह की गलती किसी भी मीडिया हाउस से ना हो, खासकर किसी मीडिया कर्मी के साथ और उसे बदनाम करने के लिए तो बिल्कुल ना हो। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लोकेश कर रहे हैं, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच लोकेश, थैंक यू पंकज, लोकेश, दीपक एंड समीर अब्बास सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, और भी बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है और अभी भी बने हुए हैं इस वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और हम इसी तरह से अलग अलग फैक्ट के साथ आपके सामने खबरें रखते रहेंगे। आज ये मीडिया की इन दो खबरों को हमने रखा जो कि गलत थी, फर्जी थी, फेक थी, इसके अलावा और भी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।